प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ कामरान शाहिद। पाकिस्तान जो जो इलेक्शन के करीब करीब आता जा रहा है, तो मुख्तलिफ इलेक्शन की वेव जो है वो अब देखने को मिलेंगी, जिस तरह के हर इलेक्शन में होता है। हम जानते हैं कि लास्ट इलेक्शन के अंदर जो वेव थी उसको सेट किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, जो जिस तरीके से सैड एक्सीडेंट हुआ, ट्रेजिक डेथ हुई, उसने उसको सारी चीज़ें एक तरफ हो गई और उनकी डेथ डोमिनेट कर गई। और हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बन गई, जिसको मेन अपोजिशन मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आज की जो थीम है, जो आज का इलेक्शन है, ये बेसिकली है तो चेंज की। हर बंदा चेंज की बात कर रहा है, कुछ लोग एक्सपीरियंस की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इस चेंज की भी डिफरेंट जहतें हैं। कुछ चेंज वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने क्योंकि टेस्ट कभी नहीं किया आपने हमें, तो आप हमें मौका दें। कुछ चेंज वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें सियासत को कुछ चेंज नहीं करना, सियासत को चेंज करना है क्योंकि हमें रियासत को बचाना है, और सियासत को इस तरह चेंज करना है कि जो इस वक्त का मौजूदा जमहूरी निज़ाम है, जो वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी है, उसको बिल्कुल फारिग कर दिया जाए और कोई नया निज़ाम लाया जाए। अब जब ये मैं बात करता हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि PMLN है जो कि बात एक्सपीरियंस की करती है, और एक्सपीरियंस के साथ वो कहते हैं कि हम चेंज लेके आएंगे। अब ये जो मैंने बात की है बीच वाली, दरमियान वाला जो पॉइंट आप उठाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो रियासत को बचाने के लिए पूरा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, उनमें सिर्फ एक ही शख्सियत है जो इस तरह की बात कर रही है, इसलिए वो बड़ी नई बात है पाकिस्तान के लिए, वो एक बड़ी इंकलाबी सोच है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 23 दिसंबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और उनके हमसे कमिटमेंट है कि 23 दिसंबर को उनके साथ हम इंशाल्लाह पहला जो इंटरव्यू पाकिस्तान का उनका है वापसी पर वो भी करेंगे। वो 23 दिसंबर को ये उन्होंने कहा है कि मैं आके ऐलान करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह इस मौजूदा जमहूरियत, इस मौजूदा करप्ट जमहूरी सिस्टम से बेहतर निज़ाम कोई आ सकता है। ये सजेशन वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे उनके आने से पहले ही क्रिटिक्स ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया, हम वो सवाल भी उनके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत वार्म वेलकम करता हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम टू माय शो वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शुक्रिया आपके वेलकम करने का। डॉक्टर साहब एक तो मैं बहुत ज़्यादा आपको लुक फॉरवर्ड है, तमाम लोग आप पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं ऑब्वियसली, यहाँ से थे पहले, आप चले गए, अब आप वापस आ रहे हैं। क्या ऐसा चेंज आया दयार गैर में रह के आपके जहन में कि आपने सोचा कि वहाँ से छोड़ के सारा सियासत जो वहाँ से अगर हो रही थी तो पाकिस्तान में आके सेंटर में आके सियासत की जाए, कि इलेक्शंस की वजह से या कोई टाइमिंग आपकी इस तरह की थी, या एकदम आपको ये ख्याल आया कि अब ये आपका प्लान है कि आपको आना चाहिए दिसंबर 2012 में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि मैंने पार्लियामेंट की मेंबरशिप 2004 में छोड़ दी थी, उससे रिजाइन किया जी। उस वक्त डिक्टेटोरियल रूल था और उस पार्लियामेंट में हर चंद के इन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान इलेक्शन कंटेस्ट करके मौजूद थे, और मैंने देखा कि उस पार्लियामेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और उस पार्लियामेंट में कभी नेशनल इश्यूज डिस्कस नहीं हुए, रीजनल पॉलिसी, पाकिस्तान इंडिया पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस, और अलगरज सिक्योर इनलैंड सिक्योरिटी, फिस्कल पॉलिसीज, लॉ एंड ऑर्डर, कोई मेजर इशू जो नेशनल कंसर्न का होता था कभी उस पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं आया था। हालात देख के मैंने रिज़ाइन किया। उसके बाद मैं कुछ अरसा वहीं रहा, मैं उसके 2-3 साल बाद फिर वहाँ से आया हूँ इधर, तो इत्तेफाक से फिर बाद अजा इलेक्शन हुए जिसका जिक्र आपने किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे एक हौसला था, इत्मीनान था, इस वजह से मैं खामोश रहा हूँ इस पूरा अरसा कि अब क्लियरली पूरा मैंडेट पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, और जिसको वो पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो मिली, उसके 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और ये वो अरसा है कि इसमें किसी किस्म की मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई, इंटरफियरेंस नहीं हुई, इनको पूरा पूरा वक्त सियासी जमातों को मिला, और इनके दरमियान जो माहौल है वो भी बड़ा साजगार रहा कि बहुत बड़ा कोलिशन है रूलिंग पार्टी के अंदर, सिंध की पार्टीज, बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो जमा है इकट्ठा, एक मजबूत अलायंस है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो बजात खुद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सूबे यानी पंजाब की हुक्मरान पार्टी है, तो इसलिए अपोजिशन जो टफ टाइम देती है गवर्नमेंट्स को वो भी नहीं मिला, एक जॉइंट वेंचर रहा जी। इससे बेहतर साजगार मौका
सियासी और जमहूरी हुकूमतों को नहीं मिल सकता जो 5 साल में मिला है। लेकिन इसके बावजूद हमारे हालात वही रहे हैं कौम के और आवाम के और मुल्क के जो फौजी आमरीतों के दौर में और उससे भी पहले 90s के ज़माने में रहे। दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सका, काबू ना पा सकना कामरान शाहिद साहब तो दूर की बात है, दहशतगर्दी के खात्मे की पॉलिसी और कोई नेशनल पॉलिसी और लॉ भी नहीं बनाया जा सका। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के वजूद को थ्रेट है उसको भी एड्रेस नहीं कर सकी ये पार्लियामेंट 5 साल में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची से लेके पूरे मुल्क के बाकी हिस्सों तक आपके सामने है। लोग बत्ताखोरों को महाना भत्ता देकर अपनी जान और अपने कारोबार का अमान मांगते हैं, अगवा होते हैं तो तावान पे कर रिहाई मांगते हैं, कत्ल गारत गरी होती है, बीसियों दर्जनों लाशें हर रोज गिर रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में लोग वीज़ा लेके जाते हैं, अथॉरिटी ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट की रिट नहीं रही, गरीब गरीब तर हो गया है, उसको बिजली पानी सुई गैस तक की बुनियादी ज़रूरियात जिंदा रहने की ख़त्म हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पर है, कोई मैनेजमेंट नहीं हुई कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौके क्रिएट किए जाएँ, डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट एजुकेशनिस्ट और हत्ता के छोटे स्किलफुल लेबर सारे मुल्क छोड़ के बाहर मुद्दतों से जा रहे हैं और सियासी दौर में भी रोका नहीं जा सका। और पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन का सबसे नंबर वन मुल्क बन गया है जहां दिमाग ऊपर और छोटे दर्जे का सारा मुल्क छोड़ के जाता है। इन्वेस्टमेंट ये लोग खुद अपनी वहां नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में पोजीशन नहीं, पुरअमन माहौल नहीं दे सके, नेशनल आइडेंटिटी का क्राइसिस है, कौमियत की शनाख्त खत्म हो गई है, आपस में सिर्फ एक जंग है, हुसूल इक्तदार की एक लड़ाई है, गाली गलोच है, मैनिफेस्टो नहीं रहा और वोट देने वाले की हालत नहीं बदली जा सकी, वही थाना कचहरी का कल्चर, वही भूख, वही प्यास, वही बेरोजगारी, वही इंसानी हकूक से महरूमी और तालीम से महरूमी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सोशल सेक्टर बर्बाद है, हमारा मुल्क का जीना फॉरेन डेट्स पर है। ये मैंने चंद चीजें अर्ज की। तो अगर फौजी आमरीत में भी मुल्क इसी तरह रूबा जवाल रहा और सियासी इंतखाबी आमरीत में भी उसी तरह रूबा जवाल रहा तो हमें सोचने, मैंने कहा कि अब सोचने की जरूरत है कि कहीं तो खराबी है ना, तो डॉक्टर साहब कहीं तो डायग्नोज करें। फिर सवाल वो खराबी मैं नतीजे पर पहुंचूं कि इलेक्टोरल सिस्टम जी। सवाल ये उठता सर इस बात पे कि जो आपने जितने भी ये जो इश्यूज गिनवाए हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के मेन इश्यूज हैं, इंतहा पसंदी है, गुर्बत है, इलिटरेसी है, दहशतगर्दी है और सूबे टूट रहे हैं, आप जिस तरह फरमा रहे हैं बलोचिस्तान से लेके आगे तक टारगेट किलिंग से लेकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स तक। लेकिन पूरी दुनिया की जो तरक्की याफ्ता अकवाम हैं जो मगरिब की हैं या जो मगरिब की नहीं भी हैं, मशरक वस्ती को अगर हम बीच में से निकाल दें, दूसरी अकवाम है, अफ्रीका वगैरह की अकवाम है, साउथ एशिया की अकवाम है, हमारे पड़ोसी इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ हर जगह पर इन तमाम बड़े बड़े जो इशूज़ आपने बताए जो पाकिस्तान को लाहक है उन तमाम सोसाइटीज़ को भी लाहक थे, पूरे वेस्ट को, पूरे अमेरिका को, पूरे साउथ एशिया को, उन्होंने उसका हल जो है वो निकाला इंतखाबात के इंकलाब के जरिए, अवाम के वोट के इंकलाब के जरिए, अवाम की जो पर्ची है कंसेंट के जरिए आती है उसके जरिए उन्होंने और कोई हल नहीं निकाला, तो हम उसको क्यों ना फॉलो करें जो कि पूरी दुनिया का तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक या गैर मगरबी ममालिक का आजमाया हुआ सोलूशन है उन तमाम इशूज़ को एड्रेस करने के लिए जो आप अभी फरमा रहे हैं और जो पाकिस्तान के वाकईतन हैं। इलेक्शन को क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं जी? मैं अगर भूल ना जाऊँ तो इसके दो हिस्से हैं, पहले मैं एड्रेस करता हूं इसके पहले हिस्से को, दूसरा अगर भूलने लगूं तो आप याद दिला दीजिए कि इलेक्टोरल सिस्टम से हटे नहीं। पहली बात यह है कि ये मसाइल, इसमें शक नहीं है कि हर मुल्क के अंदर थोड़े छोटे या बड़े पैमाने पर उन्हें दरपेश होते हैं, मगर थोड़ा सा हम उसका हकीकत पसंदाना जायज़ा लें, एक लेवल और एक रेंज होती है कि उस रेंज के अंदर मिसाल के तौर पर आदमी बीमार होता है, टेम्परेचर है उस 98.5 का होना था नॉर्मल टेम्परेचर, 99 हो गया, 99 से बढ़ गया, 100 से नीचे रहता है तो उसको छोटी मोटी गोली दे के मैनेज कर लेते हैं, 100 या 101 से बढ़ता है तो फिर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं, फिर बर्फ रखते हैं, यानी वो फिर डेंजर की कैफियत में और रेंज में चला जाता है।
छोटा मोटा अप्स एंड डाउन सोसाइटीज में, पॉलिटिकल सिचुएशन में, इकोनॉमिक सिचुएशन में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, सोशल सेक्टर में होते रहते हैं। वो चेंजेस कितनी होती हैं और हमारी कितनी है, इसके फर्क को अगर हम समझ लें तो फिर मेरा पूरा ये जो पैगाम है इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाएगी। मेरे सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, मैं ब्रीफली एक मिनट में दो चीजें कोट करूंगा कि कंपेयर करने के लिए कि इन्हीं मुल्कों की जिनका जिक्र किया आपने, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, भूटान वगैरह, ये सारे कंट्रीज हैं हमारे करीबी। पोजिशन ये है कि इस हालिया रिपोर्ट में 2007 और 2008 में ये इन तमाम फैक्टर्स को मिलाकर, बल्कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के जो मुख्तलिफ 140 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, हमने तो 8 10 12 गिनवाए हैं ना, उन्होंने 140 इंडिकेटर बनाए हैं जो रियासतों के अंदर मुख्तलिफ हैसियत से होते हैं, जिन्हें गेज करते हैं और जिन्हें कैलकुलेट करके मजमूई तौर पर तयन करते हैं कि ये रियासत कामयाब जा रही है या वीक हो गई है या फेल होती जा रही है या फेल्ड हो चुकी है या कोलैप्स की तरफ जा रही है। इस रियासत के अप्स एंड डाउन्स को गेज करते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी छापी है उन्होंने जिसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये इंडेक्स दिया है। अब इन मजमूई सारे अवामिल को मिलाकर तयन करते हैं कि इस रियासत की सलाहियत, इसकी इस्तेदाद बाकी रहने की, बरकरार रहने की, तरक्की पाने की कितनी है। 2007 और 8 में पाकिस्तान इस कलेक्टिव कंपिटिटिवनेस ने, अपनी सलाहियत और इस्तेदाद बका, बरकरार रहने और तरक्की रहने की सलाहियत की बुनियाद पर मुल्क दुनिया में 92 नंबर पर था। 2008 और 9 में 101 नंबर पे गया, यानी आप समझें 9 रैंक्स नीचे गिर गया एक साल में। फिर 2009 और 2010 तक दो सालों में 101 पर रहा। अब 2010 और 2011 और आगे 12, सिर्फ पिछले एक दो साल में 123 रैंक तक नीचे गिर गया है। यानी मजमूई तौर पर चार सालों में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, एज ए स्टेट बतौर रियासत सलाहियत और इस्तेदाद बरकरार रहने की 31 दर्जे नीचे चली गई है। और ये हाल किसी एक मुल्क का नहीं है। अब मैं आधे मिनट में वो उनकी और अपनी कंपैरेटिव स्टडी दे देता हूं। इंडिया में भी यही मजमूई कारकर्दगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर रैंकिंग की है, मेजर 5 कंपैरेटिव कंट्रीज को सारा मिलाकर, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया में हुआ है रैंक सिर्फ 2 दर्जे नीचे गया है इन चार सालों में, 2 दर्जे। ब्राजील का 2 दर्जे नीचे गया है, बांग्लादेश का रैंक 1 दर्जा नीचे गया है। दैट्स इट, ये लेवल है। उसके बरक्स इंडोनेशिया, उसका रैंक 10 दर्जे ऊंचा चला गया है, सलाहियत और इस्तेदाद ने इंप्रूव किया है। और आप हैरान होंगे, श्रीलंका 17 रैंक दर्जे ऊपर चला गया है। ये हमारी कंपैरिजन है। अब पाकिस्तान की पोजीशन इन सालों में, ये जो नीचे गिरने की रफ्तार है, स्पीड ऑफ डिग्रेडेशन नीचे गिरने की, -22 चली गई है। 22 दर्जे पाकिस्तान तेज रफ्तारी से नीचे चला गया है। इन ममालिक में एक मुल्क भी ऐसा नहीं जिसमें गिरावट और तबाही और सलाहियत और इस्तेदाद का फुकदान इतना तेजी के साथ नीचे जा रहा हो। ये आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का जवाब है। अप्स एंड डाउन अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, मगर एक दायरे के अंदर रहते हैं। ये हम खतरनाक रेंज में चले गए हैं जहां वायबिलिटी और बका को खतरा लायक है, हमारी अपनी बका को थ्रेट हो गया है। डॉक्टर ताहिर गाजी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी, वापस आते एक ब्रेक के बाद। ये तमाम इश्यूज जो आप बता रहे हैं ये वजह है, कंपैरिजन भी आपने बिल्कुल ठीक ही किया होगा, इलेक्शन, लेकिन जो है वो तो हर जगह का हल तो इलेक्शन ही रहा ना जी, दूसरे ममालिक का तरक्की। अब वो अब दूसरा हिस्सा बड़ा रेलिवेंट है कि उन्होंने अपना हल इलेक्शन से किया है। अब उसमें और हमारे यहां फर्क ये है, अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को और उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी करें, एक तालिबे इल्म के तौर पर आप तो इसके सब्जेक्ट है, आप भी लॉ से ताल्लुक रखते हैं, तो आप जान लेंगे कि वो हर दौर में हर पार्लियामेंट इलेक्टोरल सिस्टम में इंप्रूवमेंट करती रही और कॉन्स्टिट्यूशन और उनके एक्ट्स एंश्योर करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन को।
और पार्लियामेंट बोलती है अवाम की आवाज के मुताबिक और अकॉर्डिंगली वो पार्टीज चेंज के प्रोसेस को जारी रखती हैं। अगर इलेक्टोरल सिस्टम इंप्रूवमेंट की तरफ चला जाता रहा हो, इस्लाहात तसलसल से होती रही हो और अवाम जिन चीज़ों से महरूम हैं उन मसाइल को वो रेगुलर एड्रेस करते रहे हों और तब्दीली विद इन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री प्रोसेस जारी रही हो, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आप तमाम अदवार के, मैं आपको 1990 से लेकर 2012 22 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और पार्लियामेंट की हिस्ट्री उठा के देख लें, इंतखाबी निज़ाम की तबाहियों से हर शख्स वाकिफ है, मगर एक इनकलाबी इसलाह 22 साल के अरसे में अवाम के लिए फेयर और फ्री इलेक्शन बनाने की नहीं की गई। अभी 20वीं तरमीम आई और वो 20वीं तरमीम में सिर्फ पार्टीज अपने जो बाहमी सियासी मफादात हैं उनके तहफ्फुज़ की बात की है कि हमारा कैंडिडेट अगर छोड़ के चला जाए तो डीसीट करने की अथॉरिटी होगी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट दोनों के एग्रीमेंट से होगी। यानी कोया कॉन्सेंट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ अपनी जमाती मफादात पर है जी। 19 करोड़ अवाम की किसी ने बात नहीं की है पार्लियामेंट में। मसलन इनके यहां धांधली ये होती है कि अगर पीएमएल का कैंडिडेट ने धांधली कर ली पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के साथ तो वो शोर मचाएंगे, इल्जाम लगाएंगे कि नहीं पीपल्स पार्टी ने धांधली कर ली मुस्लिम लीग के कैंडिडेट से, शोर मचेगा। इनके यहां धांधली ये है कि आपस में अगर हो जाए धांधली तो फिर दोनों शोर मचाते हैं पार्टीज। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल के इस हिस्से की तरफ कि इन छोटी मोटी सारी खराबियों के बावजूद वो ममालिक दूसरे अपना इलाज तसलसल से इंतखाबात के ज़रिए ही करते हैं और हमें निज़ाम इंतखाब में तब्दीली की ज़रूरत क्यों है, ये बात समझने वाली। उसका बुनियादी फ़र्क ये है कि उन तमाम ममालिक की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को स्टडी करें, उनके आइनी इर्तिका को, उनके पार्लियामेंट्री डिवेलपमेंट्स को और उनके मुख्तलिफ इनेक्टमेंट्स को जहाँ वो इलेक्शन के लॉज बनते हैं, वो तसलसल के साथ मसाइल को एड्रेस करते रहते हैं और अवाम की शिकायत का इजाला करते रहते हैं और अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और पॉलिटिकल नेशनल पॉलिसीज़ को तसलसल से इम्प्रूव करते रहते हैं, तो वहाँ विद इन पार्लियामेंट चेंज पर एक अमल जारी रहता है। जो मतलूबा तब्दीली होती है वो उस तरीके से होती रहती है। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि हमारी पार्लियामेंट्स मुल्क में मुस्बत तब्दीली की राह में उसी तरह रुकावट बनी हुई हैं जैसे फौजी आमरियत के अदवार में वो रुकावट बने रहते हैं। इनके हाँ कॉन्सेप्ट ये है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पॉलिटिकल वादी उम्मीदवार से ज्यादती कर ले तो कहते हैं धांधली हुई, लेकिन ये कभी किसी नहीं सोचा कि 18 करोड़ आवाम से जो धांधली हो रही है इस निज़ाम के तहत कि वो इलेक्शन प्रोसेस में आ ही नहीं सकते। 2 से 5 करोड़ रुपए अगर पार्टी टिकट के लिए न दे फंड के नाम पर तो टिकट खरीदा नहीं जा सकता। धांधली के खात्मे की कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई पार्लियामेंट में और न ये करेंगे। थाना कचहरी की मुदाखलत, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, बंदूकों का चलना और हर किस्म के जायज नाजायज जराए का इस्तेमाल, इसको रोकने के लिए, टोटली बैन करने के लिए कोई पार्लियामेंट की सतह पर और कानून की सतह पर इकदाम नहीं हुआ। हत्ता के बिरादरियों को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता है, एक आदमी बिरादरी का हेड पूरी बिरादरी का सौदा कर देता है। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं प्रोसेस, आप भी देखते होंगे। तो ये यहां तो सिरे से न फ्री इलेक्शन है न फेयर इलेक्शन है। उन मुल्कों में क्या होता है, यहां पार्लियामेंट और पूरी की पूरी कैबिनेट टैक्स नहीं देती और पूछने वाला कोई नहीं। यहां एक एमपी अगर रिवील हो जाए कि टैक्स नहीं दिया, उसकी पार्टी उसको डिसीट कर देगी, हटा देगी। एक मेंबर पार्लियामेंट की करप्शन साबित हो जाए, नाजायज मराहत, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर, उनके पास इतनी एम्पावरमेंट है, ताकत है कि वो पार्टी पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे और पार्टी को सीट उसको डिसीट कर देना पड़ेगा। यहां तो पोजीशन ये है कि किसी के पास न पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी है, न पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाने के बाद कोई डेमोक्रेसी रहती है और 5 साल तक वो शहनशाह होते हैं
और गरीब मर जाए, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन मुल्कों में खुदकुशियां हो जाएं, डाके पड़ने लग जाएं, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ जाए, डिसीट करवा देते हैं। यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें वोटर को भी ताकत है कि अपने नुमाइंदे को कंट्रोल कर सके। हमारे यहां ऐसा कोई काम आज के दिन तक ना हुआ है न ये करेंगे। और पढ़े लिखे शहरी को, आम डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स जो करोड़ों रुपए का खेल नहीं खेल सकते, उनको भी इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। आज तक आप देख लें, मैं पूरी तवील पार्लियामेंट्री तारीख की बात करता हूं, फौजी आमरों को निकालकर एक कानून साजी सिलसिले में नहीं की गई है। अब 5 साल खत्म हो गए, निजाम जू का तू रहता है, अवाम महरूम रहते हैं, पढ़ा लिखा तबका बाहर जाली डिग्रियां लेकर, पाकिस्तान का आईन कहता है आर्टिकल 62 और 63 कि वो शख्स एमएनए नहीं बन सकता, मेंबर पार्लियामेंट, नेक सीरत ना हो, सच्चा ना हो, अमानतदार ना हो, दयानतदार ना हो और आला दिमाग वाला जहीन ना हो, ये आर्टिकल 62 के अंदर। और जो शख्स गवर्नमेंट के ड्यूज अदा ना करे आर्टिकल 63 में, वो डी को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहां पूरी की पूरी कैबिनेट कौम का टैक्स नहीं दे रही, कौन डिस्क्वालीफाई करेगा इनको? और यहां जाली डिग्रियों के साथ आए 91 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि झूठी जाली डिग्रियों के साथ पार्लियामेंट में आए हैं। अब चूंकि तालीम की शर्त इसी पार्लियामेंट ने खत्म कर दी थी, पार्लियामेंट जो है वो अरकान पार्लियामेंट के मफादात के तहफ्फुज के लिए बैठी है, 19 करोड़ अवाम के मफादात के तहफ्फुज के लिए नहीं बैठी। लोग निकले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, 3 महीने में जिमनी इलेक्शन से वही मुंतखब होके वापस आ गए। तो बोलिए, यहां फिर इस इलेक्शन का तसलसल एक एक्शन रिप्ले है, एक धांधली का तसलसल है, जुल्म का तसलसल है, एक इंतखाबी आमरियत का तसलसल है। लिहाजा हमारा केस यह है कि हमें हर सूरत इलेक्शन में जाने से पहले इस्लाहात करनी चाहिए। और मैं इस हिस्से को खत्म कर रहा हूं इस जुमले पर, कमरान साहब आपकी वसातत से यह मैसेज चला जाए कि मैं इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए नहीं आ रहा, ना यह मेरा एजेंडा है, ना इंतखाबात मनसूख कराने आ रहा हूं, मैं इंतखाबात के निजाम को दुरुस्त करवाने आ रहा हूं ताकि दुरुस्तगी की जाए, अवाम को सही माना में उसमें शामिल किया जाए, धांधली, बददियानती और दहशतगर्दी के अंसर खत्म किए जाए और इंतखाबात को सुथरा करके फिर मुनक़िद करवा दिया जाए ताकि सच्ची जमहूरियत आ सके। डॉक्टर साहब, ये जो आप जितनी बातें फरमा रहे हैं, ये एक लिहाज से तो लोग उसको इंकलाबी कहेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो किस तरीके से आप जो हैं वो ऑन द टॉप ऑफ दैट जाके इनको सजेस्ट कर सकते हैं कोई ऐसा तरीक़ाकार जो इलेक्शन मनसूख भी ना करें, क्योंकि टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया, इलेक्शन मुलतवी भी ना हो और उसके बावजूद सारी चीज़ें जो हैं वो बगैर किसी डिस्ट्रक्शन के, बगैर किसी खूनी इंकलाब के, बगैर निज़ाम को तलपट किए हुए, बगैर आर्मी की मदद के, बगैर सियासतदानों को, सियासत को ख़त्म हुए, ये सारा कुछ हो जाए, ये तो डॉक्टर साहब एक मिरेकल की आप बात करें ना। और दूसरी बात ये कि फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपकी बात अगर आप सुनेंगे स्टेज के ऊपर तो फिर वो खुद क्या कर रहे हैं? वो आज़ाद इलेक्शन कमिश्नर तो मुतमईन है तमाम चीज़ों से, और जहाँ वो मुतमईन नहीं थे वहाँ उन्होंने कह दिया, कराची के अंदर से उन्होंने कहा हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, कराची में उन्होंने कह दिया कि वहाँ पर वोटर लिस्ट जो है उसकी, उसको चेक, उसकी पड़ताल होनी चाहिए, कराची में उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज जाके चेक करें अगर ज़रूरत पड़े, बलूचिस्तान के हसास इलाकों में फ़ौज को तैनाती का मुतालबा किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हैं, वो काम कर रहे हैं उन तमाम इंतखाबी डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, तो आप ऐसी क्या और चीज़ सजेस्ट करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं पता, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आज़ाद सुप्रीम कोर्ट भी उसको समझ नहीं पा रही कि वो क्या है, और आप किस तरह इतने कम टाइम में उसको ठीक कर सकेंगे डिस्ट्रक्शन लाए बगैर? जी देखिए, पता उनको सब कुछ है जी, लेकिन जितनी चीज़ें आपने मेंशन की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये होना चाहिए, यहाँ तक बात दुरुस्त हो गई। मेरा अगला सवाल है, उनमें से कोई एक काम भी वहाँ हो सका है, किसी ने करने दिया? आंसर इज नो। तो इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गई, उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची किलिंग केसेस में जजमेंट दी और कैटेगोरिकल सॉल्यूशन दिए, ये इकदाम होने चाहिए, उनमें से एक इकदाम भी हुआ? बस मैं बहुत ज्यादा मिसालों में नहीं जाता,
इस जैसी 50 मिसालें हैं, सुबह शाम होती हैं। सवाल यह है कि यही प्रॉब्लम है कि मुल्क को, मैं जो कह रहा हूं, एक रिफॉर्म का एजेंडा चाहिए इलेक्शन से पहले, कि इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उनकी अमलदारियत खत्म कर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन आइन मौजूद है मगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आइनियत और दस्तूरियत खत्म कर दी गई है, दस्तूर के निफाज को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया मौजूद है मगर उसके अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा, रोक दिया गया है। अब एग्जीक्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के नहीं करवाते, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, इंतजामिया की, और गवर्नमेंट अदलिया के अहकाम को आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए अमल दरामद नहीं कर रही। पार्लियामेंट की करारदाद होती है और वो हवा अम मंसूरा, एक अरबी का लफ्ज है, हवा के अंदर खाक के जर्रों की तरह उड़ जाती है, कोई बौतर नहीं करता। ये सारे मामलात आपके सामने हो रहे हैं, मसला ये है, मालूम सब कुछ है मगर सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया है, इंस्टीट्यूशन इतने बेबस कर दिए गए हैं इस सियासी करप्शन और इंतखाबी आमरियत ने कि ना अदालतों के अहकाम नाफिज हो रहे हैं, ना पार्लियामेंट की करारदाद का निफाज हो रहा है, ना इदारे अपना काम अंजाम देने में आजाद हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कानून साजी का, याद रख लीजिए, कोई इख्तियार ही नहीं है, कानून साजी पार्लियामेंट करती, वो जो लंगड़ा लूला कानून बना के बेबस करने का दे देगी, चीफ इलेक्शन कमीशन बाउंड है उसी पैरामीटर में काम करने के, वो आप तो तब्दील ही नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट लॉज को तब्दील नहीं करना चाहती, तो पार्लियामेंट, उनके पास तो अमला ही नहीं है, वो क्या करेगा। लिहाजा एक बड़ी सब्सटेंशियल चेंज चाहिए बिफोर वी एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मेरा सवाल ये है, आप ये बातें बजा फरमा रहे हैं लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रैक्टिकली किस तरह इतने शॉर्ट टाइम में, जबकि आप पार्लियामेंट में भी नहीं है, आप हुकूमत में भी नहीं है, आप अपोजिशन में भी नहीं है, आप इलेक्शन के मरले में से भी खुद रिजाइन करके निकल चुके हैं, लास्ट टाइम तो आप इलेक्टेड भी नहीं है, फिर आपकी जो सिफारिशात है इस इलेक्शन के लिए किस तरह वैलिड होंगी, जो इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है वो किस तरह आपकी बात किस कैपेसिटी में सुनेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी। ये बात दुरुस्त है कामरान शाहिद साहब जी, जब इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम का नुमाइंदा इज्तिमा मिलियंस की तादाद में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों की बात नहीं कर रहा, ये कुछ चंद दिनों की बात है, मेरी अपनी फ्लाइट की बुकिंग 21 तारीख की है, 22 को कराची अराइवल है, 22 दिसंबर को, और शाम को नेक्स्ट बुकिंग है मेरी रात को लाहौर के लिए, या 23 की वाला सुबह, 7 दिन रह गए, 23 को कितने दिन रह गए हैं, 8-9 दिन रह गए हैं बाकी, आप इंशाल्लाह देखेंगे मिलियंस का इज्तिमा जो 1947 के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान की धरती पर इतना बड़ा अजीम नुमाइंदा इज्तिमा नहीं होगा। मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, मैं तो एक खैरखा एक बहीखा की तरह तमाम कौम को एड्रेस कर रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुदा का वास्ता देकर मिना समाजत कर रहा हूं, पार्लियामेंट को और तमाम कौमी इदारों को और जो जो लोग और इदारे एट स्टेक होल्डर हैं, मैं तो सबको एक काबिल अमल फार्मूला दे दूंगा आइन के पैरामीटर्स में, कानून के पैरामीटर्स में, इंटरनेशनल लॉ के पैरामीटर्स में, मगर तब्दीली के लिए मेरे पास वो अवाम होंगे, पुरअमन मिलियंस अवाम, 20-30 लाख अफराद खड़े हुए, डॉक्टर साहब ये मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ कर रहे होंगे, ये क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि मिलियंस की तादाद में लोगों की आवाज वो हर दर्दमंद इदारा स्टेक होल्डर सुनेंगे, वो सुनेंगे जिन्हें इस मुल्क की बका की फिक्र है, वो सुनेंगे जो इस मुल्क में अदल और इंसाफ फराहम करने के जिम्मेदार हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स और जमातें सुनेंगी जो अवाम की नुमाइंदगी की दावेदार हैं और उनका फरीजा अदा करती हैं, और 18 करोड़ अवाम सुनेंगे और मीडिया सुनेगा जो राय आमा हमवार करता है। मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स तक एक पैगाम पहुंचाना है और ये वादे करना है कि इलेक्टोरल सिस्टम को साफ करने के बाद अगले आने वाले इंतखाबात में न मैं फरीक हूं न शरीक हूं और उसके बाद न मेरी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, मैं सिर्फ गंद और गलाजत को साफ करना चाहता हूं, उजड़े हुए घरों को आबाद देखना चाहता हूं जी। मायूस चेहरों पर रोशनी खुशी की देखना चाहता हूं, उनके छीने हुए हुकूक उन्हें वापस लौटाना चाहता हूं, अदल की हुक्मरानी देखना चाहता हूं, सच्ची जमहूरियत देखना चाहता हूं,
जिसमें किसान भी कामरान साहब अपने किसानों का नुमाइंदा बन के पार्लियामेंट में बैठे, जिसमें आम मजदूर, आम ताजिर, एक सियासी, वकला का नुमाइंदा, वकील, हर तबके के नुमाइंदे खुद पार्लियामेंट में बैठे। ये नहीं कि मुजारे किसान हैं और नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, और वोटर मजदूर हैं और नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है जी। और वोटर वो हैं जो जिनका चूल्हा नहीं जलता, खुदकुशी कर रहे हैं भूख से तंग आकर, और नुमाइंदगी उनकर अरबों पति करोड़ों पति लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। मुझे सर ये बताइए कि एक तो ये बड़ा परसेप्शन है इस वक्त कि आपको शायद ऑफर की जाए जिमनी सॉरी इंटरिम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप, तो अगर आपको ऐसी कोई तजवीज़ आई तो आप एक्सेप्ट करेंगे उसको या नहीं करेंगे? देखिए जी, मैं देखूंगा कि मैं कौम के लिए क्या डिलीवर कर सकता हूँ जी, अथॉरिटी क्या मिलती है, वो बुनियादी सब्सटेंशियल चेंजेस जो मेरा बुनियादी फिक्र है, जो मैं कौम की बेहतरी के लिए लाना चाहता हूँ, उसके लिए इख्तियार मिलते हैं उस सेटअप को कि नहीं, तो इसलिए सारी सूरत हाल देख कर ही मैं कोई जवाब दे सकूंगा। डॉक्टर साहब, वैसे कोई ऑफर अभी तक आपको हुई है किसी पार्टी की तरफ से कि मेरे साथ? और ये खुदा का शुक्र है जी कि मेरी आमद से पहले कोई कांटेक्ट मुझसे नहीं। अच्छा, और मैं नीट और क्लीन आ रहा हूँ विदाउट एनी कांटेक्ट। ये भी कहा जा रहा है कि आप शायद इस चीज के सपोर्टर होंगे, ख्वाब का रोल कोई है या नहीं है इसमें, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन इस चीज के सपोर्टर होंगे कि पहले इस निजाम को, इलेक्शन के निजाम को ठीक करने के लिए इन तमाम पार्लियामेंट्स को, इन तमाम इलेक्शन सिस्टम को खत्म किया जाए, ऑन होल्ड किया जाए, यहाँ पर एक एहतसाब के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए और फिर वो एहतसाब करे, उसमें मिलिट्री की भी सपोर्ट हो, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी हों, उसमें अच्छे वाले पॉलिटिशियंस भी हों, एक तरह का ये एक कौमी सिस्टम बन के सामने आए और इलेक्शन उसके बाद कराए जाए, ये सोच भी डिवेलप हो रही है आपके सियासी अजायम को देखते हुए, लोग कह रहे हैं ये बात जी। देखिए, मैं वहाँ क्या सोच डेवलप हो रही है, सच बात है कि मैं बराह रास्त उनसे वाकिफ नहीं हूँ क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ। मेरा तो कॉन्टेक्ट या अवाम के साथ है, तंजीमात के साथ है, या आप लोगों के साथ है जो रोज इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं एक अपना फार्मूला और एजेंडा उस दिन दूंगा 23rd को, वो किसी और की सोच के साथ कितनी मुताबिकत रखता है या कितनी नहीं, मुझे इससे गरज नहीं है और इल्म भी नहीं। इतना जरूर है कि मैं और खाली एहतसाब के नाम पर बनाना, यह कौम बड़ा धोखा खा चुकी है। पिछले जनरल साहब ने खाली एहतसाब के नाम पर यह किया था जो नहीं हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा होना चाहिए जो मुल्क को अच्छी क्यादत फराहम करने की जिम्मेदारी ले और अवाम को सही जमहूरियत के समरात मुहैया करे और इलेक्टोरल सिस्टम में रेडिकल रिफॉर्म्स लाए। इसका शॉर्ट टर्म इसका हल भी हो सकता है और मीडियम टर्म हल भी हो सकता है, ये दोनों चीजें देखी जा सकती हैं। ये आप कम से अब जो अब की दफा जो आप आ रहे हैं, तो आप इस निजाम को जिसको आप जिस पे बिलीव नहीं करते उसको ठीक करके जाएंगे या उससे पहले भी आप जा सकते हैं या आप इलेक्शन तक वेट करेंगे, क्या मतलब कोई प्लानिंग है आपके ज़हन में? आपके मैं इंशाल्लाह ताला मैं आ रहा हूँ और रहूंगा, ठहरूंगा वहां इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात होगी, बल्कि इतवार को मैं आपका इंटरव्यू करूंगा 23 दिसंबर को। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे व्यूअर्स, और 23 दिसंबर को आ रहे हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की तरह को भी राइट है अपनी फिलॉसफी को पेश करने का, और अवाम इज़ द बेस्ट जज के वो इन आइंदा इलेक्शंस में किसको अपना वोट दे के अपनी कॉन्सेंट देते हैं। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब केस इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो आ रहे हैं कोई एक ऐसा पैगाम लेके जूम के बकौल कि जिसमें इलेक्शन के सिस्टम की मुखालफत की गई, उसको रद्द किया गया, मौजूदा सियासत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फिलहाल रद्द किया गया है, उसके अलावा कोई और ही ऑप्शन को लेकर आ रहे हैं, तो इस लिहाज से काफ़ी सस्पेंस है कि 23 दिसंबर को जब ये लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे वो क्या ऐसी चीज़ इनके पास होगी जो दूसरों के पास नहीं है, सियासतदानों और पार्टीज़ के पास, और किस तरह आवाम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 23 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। अब तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस इशू को के हवाले से इजाज़त दीजिए।